नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे बाइक डॉक्टर। बाइक डॉक्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कार्बोरेटर, बाइक का जो कार्बोरेटर है वो कैसे वर्क करता है, यानी हमारे 100 साल से भी ज़्यादा चले आ रही पद्धति जो बाइक में लगा हुआ कार्बोरेटर है वो मैन्युअली कैसे काम करता है, मैन्युअली कैसे वर्क करता है, उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। दोस्तों एक काम कैसे करता है, उससे पहले इसके जो इसमें पार्ट लगे हैं, स्पेयर पार्ट लगे हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। यह है कार्बोरेटर की पूरी बॉडी, जो कार्बोरेटर है। यह है हमारा ट्यूनिंग स्क्रू, यह है एयर मिक्सर स्क्रू, स्लो जेट, मेन जेट, स्प्रिंग, यह निडल पिन है और यह डिस्टन है, ये फ्लोट है, फ्लोट पिन, और ये उसको फिटिंग करने के लिए पिन, ऊपर का ढक्कन और ये नीचे का ढक्कन। इसमें दोस्तों पेट्रोल भरा रहेगा, हालांकि सभी मैकेनिक को पता ही होता है इन सब चीज़ों में, पर जिनको नहीं पता उसके उनके लिए ये जानकारी। अब दोस्तों ये वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक कार्बोरेटर की पूरी बॉडी, जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो यहाँ से वो एयर खींचता है पहले, तो यहाँ एयर फिल्टर का होज पाइप लगता है, तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन इंजन के अंदर यहाँ से लेके यहाँ जाएगा। अब दोस्तों आपने सभी कार्बोरेटर में देखा होगा तो यहाँ दो होल दिए गए होते हैं, दो होल आप देख सकते हो, दोनों का कनेक्शन अलग अलग है। जो एक यहाँ सेंटर में होल है वो दोस्तों सेंटर से होके यहाँ मेन जेट तक आता है, वो पाइप यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, और जो साइड में जो होल है वो उसकी पाइप यहाँ से लेके ये एयर मिक्सर स्क्रू के पास से होके यहाँ स्लो जेट में जाता है। अब दोस्तों जब हम इंजन में किक लगाएंगे तब यहाँ से वो एयर को खींचेगा। पहली दफ़ा जब हमारा कार्बोरेटर जब बाइक में लगा होगा तो यहाँ से ये फ्लोट है तो किस इस तरह से रहता है, तो हमारा पेट्रोल जब आएगा नीचे तो ये जब भर जाएगा तब ये पेट्रोल को बंद कर देगा, और जब कम होगा तब खुल जाएगा फिर ये बंद कर देगा, तो इसमें पूरा पेट्रोल भरा रहेगा। जब इंजन एयर को खींचता है तब सभी जगह से यहाँ से एयर यहाँ से लेके यहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने से पहले ये हमारा डिस्टन है, डिस्टन कुछ इस तरह से बीच में होता है। इंजन को जब हम थ्रोटल देंगे तो ये ऊपर होगा और उतनी ही एयर पास आउट होगी। दोस्तों कार्बोरेटर का डिज़ाइन इस तरह से है, यहाँ से बड़ा है, यहाँ बड़ा है, बीच में छोटा है। बीच में छोटा क्यों है, क्योंकि यहाँ से एयर का दबाव ज़्यादा बने इसलिए यहाँ इस पार्ट को छोटा रखा गया है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस बीच में रहता है, जितना थ्रोटल ऊपर की ओर जाएगा उतना एयर का प्रेशर आगे जाएगा, जितना नीचे उतना प्रेशर, यानी एयर जो हमारी है वो प्रेशर के साथ, और जो यहाँ फ्यूल जाएगा वो भी प्रेशर के साथ इंजन में जाना चाहिए,
क्योंकि वहाँ पर जो पिस्टन के साथ में स्पार्क का आएगा तब वहाँ प्रॉपर ब्लास्ट हो सके पिस्टन के पास, इसलिए एयर का प्रेशर होना ज़रूरी है, जो इन वजह से एयर में एयर का प्रेशर बनता है। अब ये जो मेन जेट है जो ये लाइन से लेके यहाँ मेन जेट में आता है, तो दोस्तों वो लाइन यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाती है, वहाँ से एयर यहाँ आती है और जो निडल पिन है ये पिन है वो उतनी ही पास आउट होगी एयर की, वो यहाँ इंजन में ये कार्बोरेटर का ढक्कन ऐसे लगा होगा तो उसमें एयर का दबाव बना सके और जो पेट्रोल है वो पेट्रोल में थोड़ा एयर आ जाए, उस वजह से यहाँ एयर का दबाव होगा, इन दोनों के बीच में एयर का दबाव करने के लिए ये वॉल दिया गया है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो। अब जो ये दूसरा वॉल है वो यहाँ एयर मिक्सर स्क्रू है, ये एयर मिक्सर स्क्रू तो यहाँ से लेके यहाँ कनेक्शन है, और ये जो स्लो जेट है वो इस तरह से लगता है, और जो पेट्रोल खींचता है, जो पेट्रोल खींच के इंजन तक पहुँचाता है वो काम करता है ये स्लो जेट, वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो ये बाइक, एक दूसरी बाइक का कार्बोरेटर खोला है तो उसका वीडियो पहले देखो, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये सीडी डिलक्स बाइक का कार्बोरेटर खुला हुआ है, मैंने जब मैं ये से ढक्कन नीचे है और सेल्फ लगा रहा हूँ तो बाइक स्टार्ट हो रही है, अगर मैं नीचे ले लेता हूँ तो स्लो जेट के नीचे से पेट्रोल आ रहा है तब वो बाइक बंद हो जाती है, फिर मेन जेट में पेट्रोल है तो मेन जेट पेट्रोल नहीं खींचता, पेट्रोल खींचता है जो स्लो जेट है वह, और वही उसी तरह से ये काम करता है, आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अब दोस्तों ये स्लो जेट है वही एयर को खींचता है, और एयर को खींचता है और जो यहाँ छोटा सा होल बना है आप देख सकते हो, मैं नज़दीक से फोटो भी दिखा दूंगा, तो ये से यहाँ से ये इंजन की ओर जाएगा एयर फ्यूल, और यहाँ से एयर का दबाव दोनों मिक्स होके सही तरह से इंजन के अंदर जाएगा और हमारी बाइक स्टार्ट होगी। अब रही चॉक के बात, ये चॉक है तो चॉक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चॉक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब ठंड का मौसम हो या इंजन का टेम्परेचर है वो कम हो यानी वो ठंडा हो गया हो, तो जो ये ऑक्सीजन अगर ज़्यादा जाएगी और फ्यूल की मात्रा है वो कम रहेगी तो जो इंजन में ब्लास्ट पूरा होना चाहिए वो पूरा नहीं होगा, यानी इंजन घूम जाएगा और पूरा ब्लास्ट नहीं होगा और बाइक जल्दी से स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको एयर को चॉक करने के लिए, एयर को बंद करने के लिए ही चॉक दिया गया होता है, क्योंकि यहाँ से एयर ना जाए, और यहाँ से जो जानी है एयर तो जाएगी ही दोस्तों, यहाँ स्लो जेट के जो एयर मिक्सर का स्क्रू है वहाँ से एयर तो जाएगी पर उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं जाएगी जितनी पहले जा रही है, यानी फ्यूल ज़्यादा जाएगा एयर कम जाएगी और इंजन में प्रॉपर ब्लास्ट होगा और इंजन का टेम्परेचर जो डाउन है वो अपनी सही
डिरेक्शन में आ जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर सही हो जाएगा और हमारा इंजन चलने लगेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा कार्बोरेटर वर्क करता है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ इसको इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि उन लोगों को भी जानने को मिले कि ये कार्बोरेटर कैसे वर्क करता है। नमस्कार।